हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रजनी बिस्ट, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। सो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द मिस्टेक यू शुड अवॉइड एज अ फ्रेशी इन रशिया, कि क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन रशिया। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है एंड आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे फेस करोगे एज अ फ्रेशी। सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। तो सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक पॉइंट की बात करूँ जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं वहाँ पे, वो है अटेंडेंस को लेके। आपको ये रूल मालूम होगा कि रशिया में आपको 100% अटेंडेंस मैंडेटरी है किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए, कॉलेज एग्ज़ाम में। तो बच्चे क्या करते हैं, लाइक सितंबर में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ठंड हो जाती है, लाइक इंडिया से वो डायरेक्ट रशिया जाते हैं तो क्लाइमेट चेंज होता है, एकदम से उनको ठंड फील होती है, और विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा हार्श वहाँ पे क्लाइमेट रहता है। तो भाई ठंड में सोने में सबको मज़ा आता है और सुबह उठने में सबको बहुत आलस आता है। जैसे आपकी 8 बजे की क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं अर्ली मॉर्निंग, मैटर नहीं करता कि कितनी ज़्यादा ठंड है, कितनी स्नोफॉल हो रही, कितनी फ्लड आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन आपकी क्लास होनी है तो होनी है, ये चीज़ वहाँ पे रूल है। तो बच्चे क्या करते हैं, स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, सुबह 7 बजे उठने में आलस आ रहा है, बाहर अंधेरा है, उठते नहीं हैं, क्लासेस नहीं जाते हैं, तो उस टाइम तो मैटर नहीं करता, चलो अटेंडेंस मिस हो गई, शॉर्ट हो गई, डजेंट मैटर। बट एट दी एंड जब आपको क्रेडिट मिलेगा, यानी क्रेडिट मीन्स आपको जब टीचर प्रमोट करेगी उस टाइम पे आपको मार्क्स मिलते हैं, उसी को क्रेडिट वहाँ पे बोला जाता है। तो टीचर आपको पास नहीं करेगी, आपको क्रेडिट नहीं देगी, यानी आप उस सब्जेक्ट में इनकम्प्लीट हो अभी, यानी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में चले भी जाओगे तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर अभी क्लियर नहीं हुआ है। जब तक आपका वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रमोट नहीं माने जाओगे, ठीक है। भले ही आप सेकेंड ईयर की पढ़ाई करना स्टार्ट कर लो, बट आपको वो अपना सब्जेक्ट क्लियर करना ही है। तो अगर आपकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, अगर आप क्लास में नहीं जा रहे हो, बेवजह का रूम पे रह रहे हो, हॉस्टल में सो रहे हो, क्योंकि टीचर्स को सब मालूम होता है, टीचर्स वहाँ के क्या सब जगह के टीचर्स बहुत क्लेवर होते हैं, वो बच्चे को अच्छे से जानते हैं कि बच्चा नहीं आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है। लाइक अगर आपकी कोई सीरियस हेल्थ इशू है तो टीचर समझता है, आपको मेडिकल लीव दे देगा। बट इन केस जो मोस्टली बच्चे वहाँ पे कर रहे हैं कि ठंड की वजह से वो क्लासेस नहीं जाते हैं, तो प्लीज़ ये चीज़, ये मिस्टेक्स आपको वहाँ पे नहीं करनी है। आपको डेली क्लास जाना है। लाइक आप काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज मेरे पास रहती थी, दीदी बच्चे वहाँ पे फेल किस वजह से होते हैं, तो भाई यही रीजंस होते हैं जिस वजह से वहाँ बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि वो क्लास नहीं जाते हैं, टीचर उनको बैठने नहीं देगा एग्ज़ाम में, जब बैठने नहीं देगा तो पास कैसे होगा, फिर ऑब्वियसली फिर फेल ही होना है। तो डेली क्लास जाइए एज अ सीनियर, मेरी सजेशन को बांध के रखना अपने पास कि क्लासेस आपको डेली जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर आपकी 100% अटेंडेंस है तो कुछ कुछ टीचर्स आपका एग्ज़ाम भी नहीं लेगी, आपकी अटेंडेंस और आपका क्लास के परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो आपको क्रेडिट यानी आपका सेमेस्टर पास कर देगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें वो है आपका पीयर प्रेशर। देखो काफ़ी सारे बच्चे अभी रशिया जा रहे हैं, यानी बहुत सारे बच्चे तो चलो घर से बाहर आने की उनको आदत होती है, हॉस्टल में, पीजी में, दोस्तों के बीच में, बट काफ़ी सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम अपने घर से बाहर जा रहे हैं अभी, और बाहर जा भी रहे हैं तो सीधा डायरेक्ट फॉरेन जा रहे हैं, और एक नया इन्वायरमेंट, नया माहौल उनको मिलता है, नए फ्रेंड्स मिलते हैं, तो फ्रेंड्स भाई पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होता है हमें फ्रेंड्स के बीच में, तो उससे बच के आपको रहना है। और स्पेशली बॉयज़ के लिए ये चीज़ है कि भाई किसी की गर्लफ्रेंड अगर बन रही है, चाहे रशिया में हो चाहे इंडिया में हो, तो ये सारी चीज़ें को आपको इग्नोर करना है कि उसकी है, मेरी नहीं है, मैं अभी बनाऊँ, मैं डिप्रेशन में जाऊँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ इसीलिए शायद मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है या मेरे कोई दोस्त नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको इग्नोर करनी है वहाँ पे। जो इन चीज़ों में पड़ गया वो पढ़ाई से सेपरेट हो जाएगा। ये बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, पीयर प्रेशर से दूर रहो, दूसरा जो कर रहा है उसे करने दो, आप जिस काम के लिए आए हो आप वो चीज़ करो, आपको पढ़ना है पढ़ो यार, ये ह्यूमन नेचर होता है। देखो दूसरा अगर पढ़ रहा है ना तो हम ये नहीं सोचते कि यार वो पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ें, लेकिन अगर दूसरा कुछ गलत कर रहा है, दूसरा कोई बंदा बना रहा है तो हम सोचते यार उसने तो क्या, व्हाई नॉट बी।
ठीक है, तो भाई पीयर प्रेशर से बच के रहना, क्योंकि घर से बाहर हो, गाइड करने वाला इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। घर पे होते हैं पेरेंट्स गाइड करते हैं, रिलेटिव्स गाइड करते हैं, बट घर से बाहर रह के हमारे पास खुद से इतनी समझ आनी चाहिए कि समझाने वाला कोई नहीं है, खुद से इतनी समझ डेवलप हो जानी चाहिए कि दूसरा जो कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ पीयर प्रेशर से दूर रहिए। सो थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना। देखो डिस्ट्रैक्शन बहुत टाइप्स का होता है, कई सारे बच्चों का डिस्ट्रैक्शन होता है लाइक स्मोकिंग ड्रिंकिंग एंड ऑल। काफ़ी सारे बच्चों का डिस्ट्रैक्शन होता है कि लाइक फ़ोन और पढ़ाई से दूर जाना, क्लासेस नहीं जाना, ये सारा भी एक डिस्ट्रैक्शन का ही पार्ट है। तो डिस्ट्रैक्शन मेनली आपको लाइक बोला जाता है, लाइक जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्मोकिंग ड्रिंकिंग एंड ऑल ये सब चीज़ में एंगेज रहते हैं, तो भाई घर से बाहर जाते ही जो है थोड़ा सा आज़ादी मिलती है तो फील होता है कि यार कि वी आर नाउ इंडिपेंडेंट, कि हमें अभी हम थोड़ा सा जो है बड़े हो चुके हैं। तो इस चीज़ से आपको बच के रहना है। आपका दोस्त क्या कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, आपका सीनियर क्या कर रहा है, आपका जूनियर क्या कर रहा है, आपको ये चीज़ नहीं देखना है। आपका टीचर क्या कर रहा है ये चीज़ भी नहीं देखना है। खुद से जो आपके मॉरल्स वैल्यूज़ हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ आपको आपके घर वालों ने दी है, उस पर रहिएगा। और प्लीज़ आप डिस्ट्रैक्शन लाइक बहुत सारे बच्चे क्लबिंग्स वगैरह भी ज्वाइन करते हैं वहाँ पे जाके, रशिया जाके, क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ पे बोलते हैं कि सोसाइटी वहाँ का कल्चर ही ऐसा है, क्लब्स एंड ऑल लाइक इंडिया में ये सब चीज़ें गलत माना जाता है, बट रशियंस के लिए चीज़ें गलत नहीं माना जाता है भाई। लेकिन हम रशिया जा रहे हैं तो हम हैं तो इंडियंस ही, हमारे लिए ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा डिस्ट्रैक्शन, चाहे किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन, आप ड्रिंकिंग स्मोकिंग, आपको क्लबिंग, किसी भी चीज़ की अगर आपको लत लग रही है तो वो एक टाइप का डिस्ट्रैक्शन ही है। तो प्लीज़ डिस्ट्रैक्शन से भी बच के रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें वो है आपका स्टडीज़। आपको सिर्फ आपके स्टडीज़ में ध्यान देना है। मिस्टेक आपको यहाँ पे ये नहीं करनी है कि फर्स्ट ईयर में जो चीज़ होता है कि लाइक यार अभी तो हमारा फर्स्ट ईयर ही है, अभी तो हम सिर्फ रशिया में आए हैं, फर्स्ट ईयर में हम इंजॉय कर लेते हैं, सेकेंड ईयर से हम पढ़ लेंगे, तो ये सारी चीज़ आपको नहीं करनी है। रशिया जाते ही फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, आप वो आपके कॉलेज के पहले दिन से ही आपको पढ़ाई करने बैठना है। हाँ होता है ऐसा कि स्टार्टिंग में रहता है थोड़ा सा कि इधर भी चले जाएँ थोड़ा सा उधर भी चले जाएँ, तो वो सब भी कीजिए साथ में, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम घर से निकले हो, फर्स्ट टाइम कहीं बाहर जा रहे हो, तो मन बनता है घूमने का, बट घूमने का टाइम आप मैनेज कीजिए, साथ में अपनी पढ़ाई भी मैनेज कीजिए, अपने सिटिंग आवर्स बढ़ाइए टाइम टू टाइम। फर्स्ट ईयर से आपकी जो हैबिट बन जाएगी फिर वही आपकी आगे आगे प्रोसीड होगी, वही आगे तक आपकी हैबिट रहेगी। तो ये चीज़ नहीं करनी है कि चलो अभी फर्स्ट ईयर है इसे इग्नोर करते हैं, अभी हम मजे कर लेते हैं, पास हो जाएंगे। पास नहीं होगे, पहले बता दिया नहीं होते हैं पास, अगर पढ़ा नहीं है कुछ नहीं आता तो फेल हो जाओगे, क्योंकि ये मिथ जो इंडिया में है कि रशिया में ऐसे ही पास हो जाते हैं बिन पढ़े, ये सिर्फ मिथ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब आप रशिया जाओगे, टीचर्स को देखोगे, वहाँ की स्ट्रिक्टनेस देखोगे, तो आपको कि मिथ्स के बारे में खुद ही आइडिया आ जाएगा। तो मिस्टेक्स यहाँ पे ये नहीं करनी है, मैं बता चुकी हूँ। जिस दिन जो टास्क मिल रहा है वो उसी दिन कंप्लीट करो, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा उस दिन तो उसको अगले दिन एडजस्ट करो, कैसे भी, जब आज का मिला अगर नहीं हो पाया इनकेस आज, तो कैसे न कैसे उसे कल एडजस्ट करो और कंप्लीट करो। अगर इस वे में आप अपना फर्स्ट ईयर निकालोगे तो बहुत स्मूथ आपका फर्स्ट ईयर जाने वाला है, बहुत अच्छे से, आपको कोई टेंशन नहीं होगी फेल होने की, और बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास करोगे, और इवन आपको भी बहुत अच्छा फील होगा कि आप कुछ अच्छा करने आए हो बाहर और अच्छा कर रहे हो। पेरेंट्स की होप जो आपके आप पर बनी हुई है उस पर आप अच्छा काम कर रहे हो, और ये सारी चीज़ें जब पॉजिटिव, जब सब कुछ पॉजिटिव चलता है ना, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो हमारी पढ़ाई में इम्पैक्ट लाता है। हमारी पढ़ाई ऑब्वियसली खुद में खुद जो है पॉजिटिव बनती है, पॉजिटिविटी आती है हमारी लाइफ में। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें वो है डिसिप्लिन। देखो भाई, इंडिया में जो किया वो चीज़ रशिया में नहीं करनी है, ठीक है। स्पेशली रिगार्डिंग डिसिप्लिन, रशिया इतना ज़्यादा डिसिप्लिन है कि वो जब तुम आओगे तुम्हें खुद फील हो जाएगा, वहाँ की वाइब से तुम्हें फील हो जाएगा, वहाँ की साफ सफाई देख के, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ के लोगों को देख के खुद ही फील हो जाएगा कि यार कितना डिसिप्लिन है। लाइक जैसे हमारे वहाँ हमारे इंडियन आर्मी लाइक मिलिट्री पर्सन्स को ट्रेन किया जाता है, वहाँ पे लोग ऑलरेडी ऐसे ट्रेंड होते हैं कि वो इतना ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। तो ये सारी डिसिप्लिन की जो आपकी हैबिट्स हैं वो अभी से आप इनहिबिट करना स्टार्ट कीजिए अपने अंदर। डिसिप्लिन इन द सेंस
ज़्यादा आपको हल्ला नहीं करना है, क्लास में चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, इससे टीचर जो है आपको इरिटेट होगा। टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, टीचर से मुंह नहीं चलाना है बिल्कुल। अपने हर चीज़ काम को लेके आपको पंक्चुअल रहना है, क्लास में टाइमिंग से आना है, और आपको गंदगी नहीं करनी। स्पेशली भाई पेंसिल शॉप करके अगर आप क्लास में फेंकोगे तो टीचर तुम्हें क्लास से फेंक देगी बाहर। ये हमारी क्लास में खुद लाइव एग्जांपल हुआ है, जरा सा बॉटल से पानी गिर गया था और टीचर ने पूरा इतना सुना दिया कि पूछो मत। तो उन्हें यार ये सब चीज़ें ना बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली गंदगी वगैरह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। डिसिप्लिन रहो और टीचर का रिस्पेक्ट करो तो वो उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और अगर आप तुम्हारी टीचर से अच्छी बन रही है तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। पूरे तुम्हारे 6 साल तुम्हारे बहुत अच्छे निकलने वाले हैं कॉलेज में भी, अगर तुम डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन कॉलेज में ही नहीं भाई, रास्ते में चल रहे हो तब भी डिसिप्लिन होकर चलना है। कुछ खा रहे हो तो ऐसे फेंकना नहीं है, डस्टबिन बने होते हैं हर प्रॉपर जगह पे, वहाँ पे उसे फेंकना है। रास्ते में ज़्यादा चीख के चिल्ला के ऐसी हरकतें नहीं करनी होती बिल्कुल भी, करने वाले करते हैं यार, बट वो है ना फिर इंडियंस की इमेज वहाँ पर डाउन हो जाती है। जैसे अभी मैं समारोह हूँ तो समारोह में इतने सारे इंडियंस नहीं है, तो वहाँ पर इंडियंस की रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छा मानते हैं इंडियंस को। बट कई सारी रशिया में ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत सारे इंडियंस भर चुके हैं, तो वहाँ पे इंडियंस ने अपना ऐसा इमेज बना दिया है कि लोग इंडियंस को वहाँ पे हेट करने लगे हैं। तो आप जिस भी जगह ऐसे जा रहे हो रशिया में, जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो प्लीज़ एटलीस्ट इंडियंस के थोड़ा वहाँ पे रिस्पेक्ट को मेंटेन कीजिए और डिसिप्लिन रहिए। और जिस वे में रशियंस रहते हैं उस वे में आप रहिए। लाइक हॉस्टल में भी अगर आप हॉस्टल में भी हो तो ज़्यादा बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं, तो ऑब्वियसली इंडियंस का बर्थडे सेलिब्रेशन का तरीका बहुत अलग है रशियन से। रशियन अगर हमारे बर्थडे में आते हैं तो बेचारे डर जाते हैं कि ये क्या तमाशा, अंडे फोड़ रहे हैं, केक डाल रहे हैं। तो मतलब कीजिए, बट अपने वे में कीजिए कि आप रशियंस को किसी और मतलब लोगों को डिस्टर्ब ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे डिसिप्लिन भी, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे, ये सारी जो बेसिक पॉइंट्स जो आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है रशिया जाके। और कहीं ना कहीं रशिया जाके ये सब चीज़ें आप फील करने वाले हो, तो मैंने सोचा कि मैं एडवांस में आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। सो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।